पहुंच गए मॉल और यहाँ इतने बताया कि यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है यूट्यूबर्स के बीच में। देख रहे हो, तुम्हें उल्टी दुनिया में दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये वो मैं इनका वॉकिंग एरिया बन चुका है और इतनी चौड़ी रोड, इतनी चौड़ी रोड इनने बनाई, पता नहीं क्यों बनाई मुझे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप आप वीकेंड अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे। आज महाशिवरात्रि है, आज वैसे सैटरडे है तो मार्केट बंद है, तो आज नहाना धोना टाइम से भी पड़ेगा। वैसे तो मैं अपनी टाइम पे उठाऊँ, बट हमारे क्या बोलते हैं मित्रगण टीममेट उठ चुके हैं आज क्लास। कल रात को उनको मोटिवेट किया तो अभी ज़बरदस्त तरीके से काम, साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ सब चल रहा है ना। और आज इधर खाली खाली इधर दूसरी गाड़ी खड़ी है, नहीं यही खड़ी अपनी ब्लैक ही। और बेटा संग भी बजा रहा है वो, तो ये कौन सा संग बजा रहा है? चलो देखते हैं भाई क्या कर रहा है वो। तो आज है शिवरात्रि, चलो आज वैसे बहुत काम है आज के दिन में मेरे को, बोले तो काफ़ी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करनी है और कुछ अपन नए ऐप के अंदर ये स्कैल्पिंग से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी कुछ कंटेंट आने वाला है, तो वो सब रिकॉर्ड करें क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है। वो मार्च के अंदर सारी चीज़ें ऐप के अंदर लॉन्च हो जाएंगी ऑलमोस्ट। लेट्स डू समथिंग टूडे ऑल्सो, क्योंकि आज तो ऐसे मार्केट बंद है तो मार्केट में कुछ कर नहीं सकते। मार्केट खुला रहता है तो मैं बिजी रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहता हूँ मार्केट पर, मेरा ध्यान होना रहता है, लेकिन बंद रहता है तो फिर कुछ और काम करना पड़ता है ना। चलो ये देख रहे हो भाई, आज सुबह सुबह उठ के भाई ने इस जो मेरी ये है जो मेरी मैट है, इस मैट में भाई ने पोछा मारा है इस मैट में। गुड, आज महाशिवरात्रि भाई, आज सुबह सुबह भाई ने कुछ तो करने की कोशिश की है, कुछ नई पहल की है। उम्मीद करता हूँ ये पहल तुम आज नहीं रोज करो, क्योंकि एक दिन नहीं होता है। भगवान की कृपा है। किस भाई, कल रात को इसको लगता है मैंने मोटिवेट किया तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ है, काफी अच्छे से मोटिवेट हुआ। ऐसे अगर सीईओ और दोस्त जो मोटिवेट करे तो ऐसे ग्रुप में रहने से सबकी तरफ। एक तो यहाँ देखो पूजा पाठ कर रहा है, रेडी हो रहा है, और ये है ओह देखिए सो गुड यार भाई, फ्रेश तेल डाल दे उसमें। अच्छा तेल ठीक है भाई साहब, एक वहाँ पूजा पाठ कर रहा है, एक यहाँ सपनों में पूजा पाठ कर रहा है, सो गए फर्स्ट क्लास यानी कहा हो रहा। और इधर बढ़िया साफ सफाई करके बंदा पोछा वाछा लगा के अभी इसको भी सेट करेगा। दोस्तों दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ, और उससे पहले पहले मैंने यहाँ पे अपनी टिकट कर ली है, टिकट हमारी यहाँ पे बुक हो चुकी है, मैंने ऑनलाइन उससे की थी। तो हम जो मूवी देखने के लिए आज जाने वाले हैं, उसका नाम बता। ये मूवी देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। यही कह रहा था शैतान देखनी है, मैंने कहा चलो देखने चलते ही है, इसको नहीं देखनी तो हम इसको जबरदस्ती लेके जा रहे भाई, मिलने मत करना। और देख क्या रहा है, एनीमे एनीमे या कतई जेंजी है, समझ लो भाई। तुम क्लिप कटवाने के लिए उल्टी बातें करवा दो, अभी बोला जो है वो है। काफी सारे रोचक तथ्य हैं जिसको नहीं बताया जा सकता, रोचक तथ्य तो मैंने भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा तुम मूवी देखते वक्त। तो दोस्तों अपना और भी अपना शूट हो चुका है वीडियो, भाई 3 दिन तो यही करना है यार, आज कल परसों भाई साहब। तो फाइनली दिन भर का काम निपटा के अब हम निकल लिए मूवी देखने के लिए। भाई मूवी का नाम फिर भूल गया मैं, शैतान भयंकर। ये जो बैठे हैं ना इधर शैतान, इन्हीं की मूवी देखने आ रहा हूँ मैं। कॉपीज लेट्स सी, तुझे चल रिव्यू दो, चल कैसी लग रही मूवी, चल बता भाई। ए ग्रेड मूवी, और अभी जो इसका फ्लाइंग जेट पकड़ा है ना इसने, मतलब उड़ान, फ्लाइंग जेट के मजा आएगा, मतलब कमाई। फ्लाइंग जेट तो फ्लॉप थी। अरे वो नहीं यार, अरे तो? ये मूवी कलेक्शन के अभी ओपनिंग बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, मतलब ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छी हुई है, तो एक्सपेक्टेड है कि हम भी जा रहे तो कुछ अच्छा ही अच्छा। अच्छा हम जा रहे तो मतलब आईनॉक्स पीवीआर के रेट पीवीआर का शेयर है। अब कल उठेगा पक्का, डेफिनेटली। कैसे उठ जाएगा, कल तो मार्केट बंद है। कल तो कुछ सोमवार को उठ जाएगा पीवीआर एंड आईनॉक्स है। अच्छा तो चलो वो रिव्यू बताना भाई, कैसा लगेगी तुमको, कैसे क्या है मतलब लास्ट में। अरे पहले होता है ना कि यार मूवी ऐसी होगी, पहले प्रीव्यू होता है, लास्ट में रिव्यू होता है। तो प्रीव्यू दे फिर। प्रीव्यू में मतलब थोड़ा सा जैसे दृश्यम उन्होंने बनाया था कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, मतलब सस्पेंस और डर दोनों एक चीज मिलेगा। जैसे ट्रेलर को देख के क्या लगा तुझे? खतरनाक डर लगा, मैं तो एक बार के लिए वॉशरूम चला गया था। वॉशरूम के लग गया था डर। अच्छा डर के मारे भाई, पूछो मत। अच्छा तभी मैं कहूँ रात में कितनी बार वॉशरूम क्यों जा रहा है, अब मुझे पता चला तो डर से जाता था, मैं तो कुछ और ही सोचा था, है नहीं। तो चलो फर्स्ट हमें प्रीव्यू मिल गया है,
अभी हम जाके देखते हैं, मूवी देखता हूँ पहले, फिर मेरे को रिव्यू मिलेगा, फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा कि किस तरीके की मूवी है, ठीक है? ओके, एक भाई का कमेंट आया था, भाई तुम क्या बोलते गाड़ी खुद मत चलाया करो इसे दिया करो, भाई इसी के पास रहती है गाड़ी है ना भाई, गाड़ी चली है तुम्हारी 25,000 किलोमीटर 5 महीनों में, जिसमें से 20,000 किलोमीटर इसने चलाई है, 5,000 किलोमीटर मैंने चलाई है ना, तो बड़ी मुश्किल से वो गाड़ी मिलती है, इसलिए मैं ही चलाता हूँ है ना, तो ऐसा नहीं है कि यार मैं इनसे गाड़ी चलाऊंगा अपना, ऐसा कुछ नहीं भाई, अपने को गाड़ी चलाने का शौक है, मन है, तो इसलिए मैं ही चलाता हूँ, अपना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जिन भाई ने कमेंट किया था उन भाई के को हमने ये रिप्लाई दे दिया है, तो अब मैं जाता हूँ मूवी देखने, क्योंकि अभी देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा रोड है ना, अभी रोड नहीं रहा, पहले तो यहाँ पर रोड नहीं थी, फिर जब रोड बनी तो ये रोड नहीं रही, क्यों? क्योंकि अब ये बन चुका है फुटपाथ, फुटपाथ ना, फुटपाथ ये बन चुका है फुटपाथ, वॉकिंग एरिया बन चुका है, ठीक है। और अब मुझे लग रहा है यहाँ लाइट भी गई हुई है अभी फिलहाल, ये उका हुए है फुटपाथ, वॉकिंग चलने का रास्ता ना बोला जावे तेरे पे तो यहाँ पर देखो फुटपाथ बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर लोग गाड़ियाँ कम, आपको सिर्फ अगल बगल लोग ही चलते हुए दिखेंगे, शाम को वॉक करते हैं बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर वॉक करते हैं, आंटी लोग भी, बच्चे लोग भी, सब मतलब ये देखो ये सब वॉक कर रहे हैं, इनका वॉकिंग एरिया बन चुका है। और इतनी चौड़ी रोड इनने बनाई, पता नहीं क्यों बनाई, मुझे लग रहा है वॉकिंग एरिया के लिए बनाई हुई थी, क्योंकि कायदे से तो ये वॉक करने का एरिया होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड गाड़ियाँ चल रही हैं और काफ़ी तेज़ यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, फिर वॉक करते तो लोग, इसकी वजह से यहाँ पर लोग स्लो हो जाते हैं, लेकिन जो कोई बाहर का बंदा आएगा उसको यहाँ पर पता नहीं होगा कि यार यहाँ पर लोग वॉक कर रहे हैं, तो वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा होगा तो गलती से एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो ये मतलब वो वाला एरिया है, यहाँ पर लोग रहते हैं ना, मतलब कॉलोनी वाला एरिया, पूरा मेन रोड को वॉकिंग बना दिया है, तो ये भी एक इशू है है ना, समस्या ना बोली जा रही तो से ये भी एक इशू है, तो मैंने ये इशू रेज किया है और इन्होंने मेरे मुंह पर डिपर मारा है। तो बेचारा देखो लेवल तो सबके निकलेंगे भाई, मैं आ चुका हूँ मूवी देखने, पहुँच गए मॉल, और यहाँ इन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है यूट्यूबर्स के बीच में चलते रहता है भाई, उसे कोई बोल सकता है क्या भाई, हमने भी वीडियो देखी, मैं कह रहा ऐसा भी होता है क्या, खतरनाक सीन हो रहा है, लेकिन ये देखो अपने धीरे कदमों से अनिश जो है चलते हुए आगे को, और उसके बाद छोटा अरे कहाँ है, देख रहे हो तो मैं उल्टी दुनिया में दिखा रहा हूँ, ये देखो ये वो मैं हाय, ये देख रहे हो यहाँ पे भाई ऊपर शीशे लगे हुए फर्स्ट क्लास है ना, आ जा कम ऑन दौड़ के आओ, देखो यहाँ पे धीरे धीरे कदमों से चलते हुए ये ओफो यो कम ऑन ये देखो भाई का इसको तो मूवी देखने का मन ही नहीं है, मेरा अभी भी नहीं, मैं हेडफोन लेके आया हूँ अपने, क्या करेगा तू हेडफोन में फिर देखूंगा ये थिएटर में बैठ के एनिमे देखेगा पैरेलल तो फ्लैश ये इंग्लिश के ये लो देखो गाइस उनका ड्यूटी है, देखो गाइस यहाँ पे मैंने यहाँ फोटो वीडियो अलाउड नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ भाई, सीट नंबर कौन सी है मेरी चेक करने दो, मैं पहले ब्लॉग बना रहा हूँ, प्लैटिनम ऊपर है सबसे ऊपर है प्लैटिनम, लास्ट में इधर के पांच लास्ट में पांच हम है ना, तो देखो गाइस यहाँ पे जो मैंने जो इनने मेरे से खाने का मंगाया है उसका बिल है 1600 रुपये और टिकट और जो टिकट देख तो गए तो नहीं खाने वाला था, एक दूसरे का छीन छीन के खा रहे हैं, कमी होगी क्या, देख तो जी हाँ इनको देखो ना यार ये भयंकर किस जन्म के घर से, तो ये तो कह रहा मूवी देखने नहीं जाऊंगा तो बर्गर किस लिए पेल रहा है, हाँ बिग मैन आप कब आए यहाँ आला इधर ला देख देख रहे ये सर मैंने आपको कहीं देखा है सर, हाँ तुमने कहाँ नहीं देखा है मुझे, ये देखो तो ये थिएटर तो अंदर है, वो है अंदर, इधर ने खाना शुरू कर दिया है, मूवी नहीं देखनी है, मूवी देखते देखते सो जाएगा लग रहा ये तो जियान फाइनल दोस्त हम आगे मूवी देख के चलो, मैंने शाम को बोला था नहीं जाते देखने के लिए, कितना अच्छा आइडिया था मेरा, अच्छा और तो ओहो पता कैसी मूवी थी हैं अच्छा बेटे दी कौन देना चाहेगा मूवी का रिव्यू, मूवी का रिव्यू ओए चल भाई चल बता रिव्यू दे भाई, स्पीचलेस ये बताएगा जो बताएगा,
अच्छा है मूवी यार, बढ़िया बनाया, मतलब बहुत सीखने को भाई भाई पहले एक ये दोनों बंगाली हैं, आप बताओ मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई आपको एक चीज खिलाता है, मतलब एक चीज मत खाओ, चाहे लड्डू पेड़ कोई अनजान से, कोई एक चीज मत खाओ, दो खाओ, कम से कम दो उसे खिलाओ और खुद खाओ उसके बाद। नहीं देखो मूवी का मोरल में, मतलब मूवी की तुमको कहानी बता देता हूँ। एक लड़का, एक होता है बुड्ढा जो शैतान होता है, मतलब उसकी प्रवृत्ति होती है जादू टोना करने की, है ना, वो ऐसा पिन हिन चुबाने वाला, मतलब ऐसा डॉल बना के। फिर वो क्या करते हैं, एक उनसे मतलब रैंडम लोगों से मिल जाते हैं, रैंडम कौन हो, अजय देवगन वाला, उसकी फैमिली। अब उसकी फैमिली में होता है बच्चा और बच्ची, है ना, तो वो उनसे ऐसी नॉर्मली मिलता है और एक छोटे से डब्बे में उनका खाना, आलो आपका खाना मैं खा लेता हूँ, आप ये लड्डू खा लो करके दे देता है। तो लड्डू जैसी वो खाती है लड़की, तो फिर वो वशीकरण वाला सिस्टम हो जाता है, तो वश में आ जाती है, और जब वश में आ जाती है तो फिर वो उससे अपने साथ ले आना चाहता है। एक चीज़ गलती की थी, अगर वो लड़का खा लेता, लेकिन वहाँ कोई लड़का नहीं था लास्ट में, लड़के को नहीं खिलाना था ना, उसको लड़की चाहिए थी। हाँ। तो लड़का भी तो खाने गया था, तो लड़की चाहिए, परमिशन, फैमिली के परमिशन चाहिए, कर दिया। तो वो उसके घर तक उसको फॉलो करता है, उनके घर में पहुंच जाता है, फिर घर में उनसे वो उससे कहते हैं कि अपनी बेटी को मुझे दान कर दो, नहीं करते हैं, तो वो मतलब बच्ची से दो घंटे उससे कोशिश करवाता है, पूरी मूवी में दो घंटे कोशिश होती है, दो घंटे कोशिश होती है कि कैसे भी अपने मुंह से बोल दे कि मैंने दान कर दी है। और उसके लिए वो इस हद तक गिर जाता है कि उससे चाय पत्ती खिलवा देता है, उससे कहता है अपने छोटे भाई को मार के आ जा, बच्ची से कहता है वो मारने में चले जाती है, छोटा भाई छत से गिर जाता है। मैंने तुमको पूरी मूवी बता दी, अब तुम देखने मत जाओ, कुछ नहीं है। लेकिन जिसको ऐसा टाइप की सस्पेंस वाली थोड़ा सा मूवी देखना पसंद है, अजय देवगन की मूवी देखना पसंद है, बिल्कुल जाइए। जैसे मैं भी देखता था अजय देवगन की मूवी गोलमाल जैसी, लेकिन जब से दर्शन देखी थी तब से इस टाइप की मूवी में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लग चुका है, आ गया है मतलब। और ये तो काफी ज्यादा शौकीन हो रहा था, हैं? तू अपन अब बता दे तेरे को क्या क्या था तेरा मन? देख लिया, अब सस्पेंस होता, दृश्यम देखने के बाद से ये देखा, और होता ही है अजय देवगन सस्पेंस। अजय देवगन सस्पेंस इक्वल टू सस्पेंस। अच्छा, अब अनुज से पूछो ना क्या ठीक है, ठीक है ना, देखने लायक मूवी है, थिएटर में आके नहीं देखना चाहिए था। अच्छा, मतलब घर पे, हाँ ये यार, ये लैपटॉप अब कुछ हैग वैग करके पता नहीं कुछ तो कुछ कर देता है भाई, मूवी देख लेता है, लेकिन हैग मत बोल यार। अरे ये क्या हुआ, ऑन थी गाड़ी, गियर पसा पड़ा। हाँ मतलब ये कुछ हैक वैक करके सिस्टम विस्टम से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देख ही लेता है, जो हमारे पास मूवी आज तक नहीं देखी वो ही देख चुका होगा। जो भी रिलीज नहीं होगी वो देख चुका होगा, ऐसा भी हो सकता है भाई, है ना। कोई अब ये मत कह देना कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पास लोग बैठे हैं, ऐसा कोई लोग है नहीं मेरे पास। लेकिन हाँ, जेन्युइन रिव्यू दो तो अच्छी थी मूवी, मतलब नॉर्मली थोड़ा सा सस्पेंस, चुपचाप बिना हंसी मजाक के जिसको देखनी है, डर डर में थोड़ा सा क्या होगा क्या होगा, अब क्या कर देगी, अब क्या करवा देगा, ऐसे देखनी है तो देखो। अदरवाइज काफी सारी मूवी इस साल वैसे आने वाली है साउथ की, मोस्ट प्रोबेबली जितने कांतारा मूवी आने वाली है, कांतारा जिसको जिसने पहला पार्ट देखा, लेट आएगी अभी तो, कांतारा लेट आएगी, कांतारा अभी टीजर, अरे बहुत तगड़ी मूवी है उसका। हाँ। टीजर आया है, और उस टाइप की मतलब कई सारी मूवी अभी इस साल आने वाली है, तो आप वो जाके देखना, वो आपको काफी जबरदस्त लगेगी, ठीक है। और बाकी बॉलीवुड की मूवीज में तो मेरे को अभी अब तो उतना मेरे को खास इंटरेस्ट आता नहीं है, क्योंकि उतना मजेदार मूवीज अब नहीं रही, मतलब जब से पहले मैं देखता था अभी मैं देख रहा हूँ तो डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है। लेकिन साउथ की मूवी मतलब ये मान लो कि कम्प्लीटली उनने वो बीट कर रहे हैं हॉलीवुड को, एक तरीके से कम्पीट कर रहे हैं, इतना जबरदस्त साउथ की जितनी मूवीज है उनका एक जबरदस्त मतलब एक होता है ना क्रेज बना हुआ है, अभी सभी लोगों को देखना पसंद होता है। अभी आप अभी यहाँ पर भी अगर आप कोई मूवी लगी ना साउथ की अभी नहीं लेटेस्ट जिसकी थोड़ी सी हाइप बनी हो, तो समझ लो यहाँ पे थिएटर फुल हो जाता, लेकिन आज थिएटर भी फुल नहीं था, ज़्यादा लोग भी नहीं थे, हमने फिर भी हम पीछे वाली सीटें बैठे तो हमें आगे दिखा नहीं कितने, लेकिन ऑलमोस्ट आधा ही थिएटर था। तो अब आपको खुद डिसाइड करना कि आपको ये मूवी देखनी है नहीं देखनी है। मूवी कौन सी थी भाई? थिएटर में एक जने था, मैं तुझे दिखा था, शैतान है, एक शैतान जने का फोटो लिया मैंने थिएटर में, अगर आपको दिख रहा हो टकला। अच्छा खाली थी? अरे नहीं, वो स्टार्टिंग में था, एक टकला दिख क्या है, कहाँ है टकला? अरे वो स्टार्टिंग में बैठा था कोई अकेले, एक फोटो लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हो, देखो कौन टकलों का मजाक उड़ा रहा है, एक बार देखो टकले, एक बार टकलों का देखो कौन मजाक उड़ा रहा है, टकलों एक टकला दूसरे के उड़ा रहा है, एक टकला दूसरे का टकले का मजाक उड़ा रहा है। लास्ट मूवी का नाम ही भूल गया, मतलब शैतान वाली मूवी थी, तो अच्छी मूवी है। बाकी यही था अपना रिव्यू और यही था अपना आज का दिन, जिसको देखने जाना है जाओ। बाकी आज वैसे महाशिवरात्रि भी है, तो आप सभी को फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक
शुभकामनाएं, और आई होप आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, मंदिर वगैरह गए होंगे, और भी काफ़ी सारी जो एक ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो आज के दिन में मतलब पेरेंट्स लोगों को ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों के बारे में कि क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है। हम लोगों को उतना आइडिया नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, वीकेंड अच्छा इन्जॉय करेंगे। तो मिलता हूँ आपको अनदर व्लॉग में। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो। टिल देन, बाय बाय।